सुंबुल की जिंदगी में कोई खास है, ऐसा कोई है जिसे सुंबुल पसंद करती हैं। हालांकि पहली बार बिग बॉस की लाइव फीड में सुंबुल उस शख्स का जिक्र करती हुई नजर आई और अपने दिल की बात उसने निमृत को बताई है। क्या है पूरी खबर हम आपको बताएंगे टीवी धमाका पर, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सुंबुल सुबह सुबह सभी के साथ बैठकर गप्पे मारना चाह रही थी। वहाँ पर शालीन, टीना, गौतम, प्रियंका, अंकित सभी थे, लेकिन सुंबुल जब वहाँ पर जाकर बैठी तो ऐसा लगा मानो हर कोई उसे इग्नोर कर रहा है और नहीं चाहता कि वो उनकी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बने। थोड़ी देर के बाद ही सुंबुल वहाँ से खड़ी होकर चुपचाप चली गई, लेकिन इस प्रोसेस में वो जाकर जब निमृत के साथ बैठी तो निमृत और अब्दू पहले से ही अपनी लाइफ की दोस्तों की बातें कर रहे थे। निमृत उन्हें बता रही थी कि कैसे जो है उन्होंने जब वो 18 साल की होने वाली थी तब वो इटली गई थी और उनका जन्मदिन कितना स्पेशल था। इसके बाद अब्दू ने बताया कि वो कैसे म्यूज़िक की ट्रेनिंग ले रहा है, वो दुबई जाता है। इन सारी बातों के बाद जो है सुंबुल ने उससे पूछा कि तुम्हें आता है बजाना पियानो। उस पर उसने कहा मुझे थोड़ा थोड़ा बजाना आता है। सुंबुल उनसे कहती हुई नजर आई कि मेरी भी जिंदगी में कोई है जिसको बांसुरी बहुत अच्छी बजानी आती है। निमृत ने पूछा सुंबुल से कि सुंबुल कौन है वो, जिस पर सुंबुल बोलती हुई नजर आई कि है कोई समवन स्पेशल जो बांसुरी बहुत अच्छी बजाता है। तो एक बात तो तय है कि सुंबुल ने पहली बार अपने दिल की बात की है और पहली बार उस शख्स को याद किया है जो उसकी लाइफ में कोई समवन स्पेशल है। आपको क्या लगता है कि वो किसकी बात कर रही होंगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं।